उत्तराखंड के पावन चार धाम। रुद्रप्रयाग में पहाड़ों पर विराजे बाबा केदार। चमोली जिले में बैठे हैं भगवान बद्री विशाल। उत्तरकाशी में माँ गंगा का गंगोत्री धाम और माँ यमुना का यमुनोत्री धाम। हर धाम पावन और इनकी महिमा निराली। जिनकी सनातन में आस्था है वो अपने जीवन में एक ना एक बार इन चार धामों की यात्रा करने की इच्छा जरूर रखता है। यही वजह है कि चार धाम यात्रा शुरू होते ही उमड़ पड़ा है भक्तों का सैलाब। आस्था का यही विश्वास है कि बाबा केदार के दरबार से लेकर बद्री धाम और गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री धाम में सख्त नियमों के बावजूद भक्तों की टोलियां लगातार पहुंच रही हैं। उत्तराखंड देवभूमि है। देवों की इस धरती पर सदियों से आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता आया है। सदियों से इन धामों में पीढ़ी दर पीढ़ी सनातन सभ्यता के साधक, ईश्वर और आराध्य के प्रति आस्था रखने वाले आम इंसान, तपस्वी, योगी, ऋषि मुनि, हर कोई परम धाम की प्राप्ति के लिए आता रहा है। कई संत तो यहाँ साधना करते हुए सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, तो कई साधना के लिए हिमालय को ही अपना डेरा बना चुके हैं। आज जो लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं कि इनकी अनेकों पीढ़ियां भी कभी यहाँ पर आई हों और ईश्वर के परम तत्व का साक्षात्कार करके गई हों। चार धाम की यात्रा सालों से चली आ रही है, लेकिन साल दर साल यात्रा में परिवर्तन होता आया है। विकास का पहिया घूमने के साथ साथ चार धाम यात्रा के तौर तरीके भी बदले हैं और तीर्थयात्रियों के लिए सहूलियत के कई द्वार भी खुले हैं। आज चार धाम यात्रा के इन्हीं बदलावों की बात अपनी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपके साथ कर रहे हैं। और जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये है कि पहले की पीढ़ी के मुकाबले नए दौर की पीढ़ी की सोच चार धाम यात्रा को लेकर भी लगातार बदलती जा रही है। कैसे? ये पंडित पुरोहितों और धर्म गुरुओं के अनुभवों के आधार पर हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझा रहे हैं। कहते हैं चार धाम यात्रा मनुष्य के जीवन के लिए धर्म यात्रा है, जिसके करने मात्र से इंसान जीवन मरण और स्वर्ग नर्क के चक्कर से मुक्त हो जाता है। कहा जाता है कि यह वही स्थल है जहां पृथ्वी और स्वर्ग एक हो जाते हैं। चार धाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्री इस यात्रा के दौरान सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री का दर्शन करते हैं। इसके बाद यहाँ का पवित्र जल लेकर बाबा केदार पर जलाभिषेक करते हैं और यात्रा का आखिरी पड़ाव बद्रीनाथ धाम होता है। तो पहले धर्म गुरु उज्जवल पंडित से ही आप इन धामों की महिमा के बारे में जान लीजिए। तीर्थ यात्रा अर्थात हिंदू धर्म अर्थात सनातन धर्म में वो पवित्र यात्रा, जिस प्रकार से व्यक्ति मंदिर में जाकर मूर्ति के दर्शन और मूर्ति के पूजन इत्यादि से जो पुण्य प्राप्त करता है वो सनातन धर्म में इन तीर्थ यात्राओं से भी पुण्य प्राप्त होता है। इन तीर्थ यात्राओं से उस दर्शन और पूजन से अत्यधिक जो है कई यज्ञों के समान वो यात्रा जो आपका जो पुण्य मिलता है वो पुण्य होता है। हम उत्तराखंड की चार धाम की यात्रा की अगर बात करें तो उत्तराखंड की चार धाम की यात्रा अपने आप ही प्रभु सत्ता की सत्यता की वो एक दैवत्य प्राप्त करने वाली यात्रा है, जिसको प्राप्त करने के लिए, जिस यात्रा को करने के लिए प्रत्येक सनातन धर्मी लालायित रहता है। हिमालय पर्वतमाला में मौजूद इन चार धामों में बद्री धाम का सबसे विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन चार धाम के अलग अलग पड़ावों का धार्मिक और पौराणिक महत्व क्या है? कैसे चार धाम आने से इंसान खुद के साथ साथ अपने अनेकों पूर्वजों के लिए भी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, इसे लेकर भी हमने पुरोहित उज्जवल पंडित जी से सवाल किए। सतयुग में भगवान श्री हरि का वो तप स्थल जहाँ 66,000 वर्ष तक भगवान नारायण ने तप किया और भगवती लक्ष्मी ने उनका एक आश्रम बेड़ी के झाड़ियों से बनाया, बेरी जो कि संस्कृत में बेरी को बद्री कहते हैं, तभी से वहाँ का नाम उस स्थान का नारायण ने अपने नाम से दिया बद्रीनाथ, जिसे बद्री विशाल और बद्री विशाल बद्रीनाथ एवं बद्री का आश्रम कहते हैं। ये धामों पर जाने के लिए जब व्यक्ति निकलता है
पहले तो मैं आपको बता दूं, जब व्यक्ति अपने घर से निकलता है तो उसके पितर प्रसन्न होने लग जाते हैं। हमारे यहाँ मरणोपरांत भी जिस प्रकार व्यक्ति अपने परिजनों का पूजन करता है, श्राद्ध करता है, श्रद्धा तर्पण करता है, तिलांजलि करता है, जलांजलि करता है, जब हम इन तीर्थों पर निकलते हैं तो ऐसा हमारे यहाँ गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि हमारे पितर नृत्य करने लग जाते हैं कि हमें कोई जल देने वाला आ रहा है, हमें कोई तीर्थ यात्रा करने वाला। तीर्थ का मतलब जल होता है और गति मार्ग में जल चाहिए होता है पितरों को, इसलिए ये सब यात्राएं बहुत पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ और बहुत ही आपके पुण्य कर्म उदय होंगे तब ये यात्राएं होंगी। चारधाम यात्रा के बदलावों की दौर की बात करें तो ये बात गौर करने वाली है कि पहले जमाने में ज्यादातर वो लोग चारधाम जैसे तीर्थों पर जाया करते थे जो उम्र के चौथे पड़ाव पर पहुंच जाते थे, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हर उम्र के लोग चारधामों की यात्रा कर रहे हैं। आज के दौर में युवाओं की भी इसमें संख्या बहुत ज्यादा है। चारधाम यात्रा पर आज के दौर में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन अचानक ये संख्या कैसे और क्यों बढ़ गई है? क्या ऐसा हो रहा है कि हर उम्र के लोग अब चार धामों पर पहुंच रहे हैं? ये सवाल लेकर हम धर्म गुरु स्वामी आनंद स्वरूप के पास पहुंचे और इन सवालों का जवाब लेने की कोशिश की। पहले लोग बोलते थे काशी मरणाम मुक्ति, बद्री गमनाम मुक्ति। काशी में मरने से मुक्ति मिलती है और बद्री जाने से मुक्ति मिलती है। जब व्यक्ति वानप्रस्थी होता था, अपने अंतिम जीवन के पड़ाव पे होता था, तो बद्रीनाथ की तरफ जाता था, केदारनाथ की तरफ जाता था। लेकिन आज जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो पिकनिक स्पॉट हो गए हैं। इस मोबाइल के युग में लोग भक्ति कम रील बनाने के लिए ज्यादा जा रहे हैं। इसीलिए मैंने उत्तराखंड सरकार से आग्रह किया है कि चार धाम में 100 मीटर की एरिया में मोबाइल को बैन कर दीजिए। मोबाइल बैन हो गया है, थोड़ी सी संख्या घट जाएगी, आप देखिएगा। अब वही जाएंगे जो भक्त होंगे। चार धाम का जो महत्व है उत्तराखंड में, चूंकि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ भगवान का स्थान है, पांडवों द्वारा स्थापित वो मंदिर है, चमत्कार आपने देखा ही है, बहुत पवित्र स्थल है ये। गंगोत्री वह स्थान है जहां से गंगा मैया निकलती हैं, इसलिए वो पुण्य क्षेत्र है। यमुनोत्री वह क्षेत्र है जहां से यमुना निकलती हैं, तो इसलिए यह जो चारों तीर्थ हैं उत्तराखंड के चार धाम हैं। लेकिन मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप समय निकाल करके भक्ति करने जाइए। वह तीर्थ क्षेत्र है, पिकनिक स्पॉट नहीं है, रील बनाने का केंद्र नहीं है। इससे भक्ति घटती है और जो सनातन धर्म की मर्यादा है वह गिरती है। तो इसलिए सनातन धर्म की मर्यादा को बनाए रखने के लिए, चार धाम की यात्रा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से वही लोग जाएं जिनके अंदर भक्ति जागृत है। केवल सोशल मीडिया की TRP और विभिन्न प्रकार के नए नए कंटेंट के लिए जिस प्रकार से हुड़दंगियों का जमावड़ा इस तीर्थ यात्रा पर लगा है, इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे, वो उन्हीं बुजुर्गों को विचार करना पड़ेगा, उन्हीं परिजनों को विचार करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार की यात्रा करने की सलाह दें। और ये श्रृंखला तभी चलेगी जब युवा वर्ग में शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का, हिंदू पुस्तकों, हिंदुत्व की पुस्तकों का, धर्म की पुस्तकों का, सनातन धर्म से जुड़े वाले विषयों की चर्चाएं घरों में होंगी। स्वामी आनंद स्वरूप जो कह रहे हैं वो काफी हद तक सही नजर आता है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी को प्रसिद्धि पाने की भूख है, लोग नई नई जगहों और चीजों को तलाशना चाहते हैं, दूसरों से कुछ अलग करना चाहते हैं। इंसान की ऐसी ही लालसा और भूख उन्हें दुनिया के कोने कोने में ले जा रही है। अनजानी जगहों पर लोग जा रहे हैं तो मशहूर जगहों पर भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं, और जब चारधाम जैसे बड़े तीर्थों के लिए यात्रा शुरू होती है तो जाहिर है कि यहाँ भी लोगों की भीड़ पहुँचती है, जिसमें बड़ी संख्या में आस्था और समर्पण वाले लोग भी होते हैं और सैर सपाटों में यकीन करने वाले लोग भी। आज जब दुनिया तेजी से तकनीकी में सिमट रही है
मोबाइल फोन और सोशल मीडिया इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है, तो इसके लिए भी लोग चार धाम और तीर्थ स्थलों पर पहुंच रहे हैं और उनके मंसूबे आस्था पर भारी पड़ रहे हैं। यही वजह है कि पिछली बार के मुकाबले चार धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या का रिकॉर्ड शुरुआती चार दिनों में ही टूट गया और व्यवस्थाएं हाथ से बाहर हो गईं, जिसके बाद राज्य सरकार को नियमों में भारी बदलाव करना पड़ा। सबसे ज्यादा सख्ती रील बनाने वालों और वीडियोग्राफी करने वालों पर बरती गई। यानी उत्तराखंड के दुर्गम स्थानों पर बसे चार धाम में आज के दौर में बहुत कुछ विकसित हो चुका है और बहुत कुछ बदल भी चुका है, लेकिन पहले के दौर में ऐसा नहीं था। ना ही इतनी सुविधाएं थीं, ना यात्रा इतनी आसान थी। पहाड़ों की चार धाम यात्रा पहाड़ों जैसी मुसीबत के समान थी। कई सारी बाधाएं हुआ करती थी और यही वजह है कि चार धाम यात्रा की योजना श्रद्धालु उम्र के चौथे पड़ाव में तैयार करते थे। सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद चार धाम यात्रा करने का फैसला लेते थे। यहाँ तक कि यात्रा पर निकलने से पहले अपना पिंडदान तक करवा लिया करते थे, क्योंकि यात्रा की बाधाओं से धामों तक सही सलामत पहुंचने की गारंटी कोई नहीं देता था। धामों पर पहुंच गए तो वापसी सलामती के साथ हो पाएगी, ये भी निश्चित नहीं हो पाता था। अब अगर हम बात इस बात की करें कि बुजुर्ग लोग ही पहले जाया करते थे, देखिए वो अपना बाल्यकाल से लेकर गृहस्थ आश्रम से लेकर वानप्रस्थ आश्रम तक की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद उन्हें लगता था कि अब एक काम रह गया है, वो है इन धामों की यात्रा, तीर्थ की यात्रा। तीर्थ की यात्रा क्या है? वो एक प्रकार का आत्मसमन है, आत्म अवलोकन है। जब तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं ना किसी प्रकार की कठिनाई महसूस होती है, ना वो भूख प्यास लगती है, केवल और केवल जीवित रहते हुए प्रभु के वो दर्शन, उन धामों के दर्शन कर अपने को समर्पित करना मात्र है। वो भी समय था कि जब लोग हरिद्वार से अपना स्वयं का पिंडदान करके अपने परिजनों का श्राद्ध कर्म करके कि पता नहीं हमारे पीछे कोई उनका श्राद्ध करेगा नहीं करेगा, हम इस यात्रा से वापस आएंगे नहीं आएंगे, बड़ी दुर्लभ यात्राएं होती थी, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती थी। ना रास्ते में कोई ठहरने का कोई आशियाना होता था, ना कोई जलपान की व्यवस्था होती थी, उन्हीं बहते हुए स्रोत में गदेरों में स्नान इत्यादि होता था, कंदमूल इत्यादि खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। बहुत ही विषम परिस्थितियों में लोग यात्राएं करते थे। लेकिन अब दौर बदल चुका है और इंसानों की सोच भी, इसलिए चार धामों में तीर्थ पुरोहित और धर्म गुरु अब इस अपील पर बहुत जोर देने लगे हैं कि चार धाम यात्रा आना है तो आस्था भाव के साथ ही आए। धामों को सिर्फ सैर सपाटे की जगह और पिकनिक स्पॉट ना समझें, साथ ही धार्मिक मर्यादाओं के पूरी तरह पालन करने की बात भी धर्मगुरु उठाते हैं। केवल सोशल मीडिया की TRP और विभिन्न प्रकार के नए नए कंटेंट के लिए जिस प्रकार से हुड़दंगियों का जमावड़ा इस तीर्थ यात्रा पर लगा है, इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे, वो उन्हीं बुजुर्गों को विचार करना पड़ेगा, उन्हीं परिजनों को विचार करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार की यात्रा करने की सलाह दें। और ये श्रृंखला तभी चलेगी जब युवा वर्ग में शास्त्रों का, धर्म ग्रंथों का, हिंदू पुस्तकों, हिंदुत्व की पुस्तकों का, धर्म की पुस्तकों का, सनातन धर्म से जुड़े वाले विषयों की चर्चाएं घरों में होंगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चार धाम यात्रा आस्था से ज्यादा अब सैर सपाटों और रीलबाजों की जगह बनती जा रही है? क्या आप धर्म गुरुओं और पुरोहितों की बात से सहमत हैं? क्या बदलते दौर और विकास के रफ्तार के साथ धार्मिक और सनातन परंपराओं का पालन सख्ती से कायम रखना चाहिए? क्या सोचते हैं आप? अपना कमेंट हम तक जरूर पहुंचाइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।